बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 को लेकर बड़ा अपडेट। अक्षर और अश्विन की साझेदारी ने टीम इंडिया की कराई है वापसी। ऑस्ट्रेलिया को 62 रन की है बढ़त। आज टीम इंडिया को जल्द विकेट की रहेगी तलाश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जा रहा है। शनिवार को मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया 262 रन पर ऑल आउट हो गई। वही ऑस्ट्रेलिया को एक रन की बढ़त यहां पर मिली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने कर दी और टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए। वही मैच में विराट कोहली के LPW पर विवाद हुआ। दो बार एम्पायर के फैसला जो है गलत रहा। वही पीटर हैंकम्स और शेष अय्यर ने शानदार कैच यहां पर पकड़े। वही अपने 100वें टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा जो है शून्य पर आउट हो गए। वही भारत के चेतेश्वर पुजारा जो है 100वां टेस्ट अभी उनका चल रहा है। ऐसा करने वाले वे भारत के 13वें खिलाड़ी यहां पर बन गए, लेकिन मैच की पहली पारी में उनके लिए खास नहीं रही। वे 7 बॉल पर 0 का स्कोर पर ही आउट हो गए। उनको लॉयन ने LPW आउट किया। अपने 100वें टेस्ट में शून्य पर आउट होने वाले पुजारा भारत के दूसरे और दुनिया के 8वें खिलाड़ी बने हैं। वही पुजारा से पहले भारत के दिलीप वेंगसेकर, ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और मार्क टेलर और वेस्टइंडीज के कुटिल वेस और इंग्लैंड के कुक और इसके अलावा न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम भी अपने 100वें टेस्ट में शून्य रन पर आउट हुए थे। वहीं इस मैच में विराट कोहली के आउट होने को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। विराट कोहली 44 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब टेस्ट डेब्यू टेस्ट खेल रहे लेफ्ट आर्म मैथ्यू यहाँ पर कोरमैन ने बॉल कोहली के यहाँ पर बैट पैड पर लगी और एम्पायर जुनिथिन मैन उन्होंने कोहली को LPW करार दे दिया। वही बैटर ने रिव्यू लिया लेकिन रिप्ले में साफ नहीं हो रहा था कि गेंद पहले बैट पे लगी या फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बॉल एक ही समय पर बैट और पैड को छुआ था। थर्ड एम्पायर ने ग्राउंड एम्पायर के फैसले को बरकरार रखा और कोहली जो विराट कोहली जो है उनको पवेलियन लौटना पड़ा।